तो गुरुवार को टीम इंडिया की T20 इंटरनेशनल में लगातार 13 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाने से चूक गई। तो साउथ अफ्रीका ने जो है 5 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 211 रन बनाए थे। वहीं ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। तो आइए आपको बताते हैं कि टीम इंडिया को इस मैच में हार क्यों झेलनी पड़ी। तो इस मैच में भारत की हार की सबसे बड़ी वजह गेंदबाजों का फ्लॉप सो रहा है। अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 43 रन दिए, वहीं आवेश खान ने 4 ओवर में 35 रन खर्च किए, जबकि हर्षल पटेल भी खासे महंगे साबित हुए और उन्होंने भी 4 ओवर में 43 रन दिए। तो पहली बार कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत भी प्रभावित नहीं कर सके। हैरानी की बात यह रही है कि उन्होंने लेग स्पिनर युजवेंद्र जो है चहल से सिर्फ 2.1 ओवर ही करवाए। साथ ही शुरू के ओवरों में लगातार गेंदबाजी में बदलाव रहे, जिसका फायदा कुछ खास नहीं हुआ। वहीं उन्होंने मिलर का एक गलत DRS भी लिया। तो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर यह भारत की साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार छठी हार है। इससे पहले भारत को साउथ अफ्रीका के दौरे पर लगातार 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों में हार झेलनी पड़ी थी। तो मैच में साउथ अफ्रीका की पारी के दौरान श्रेयस अय्यर ने डुसेन का आसान कैच छोड़ दिया, यही से पूरा मैच बदल गया। तो दोस्तों, इस पूरे मैच पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।